तो फाइनली दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो K10 5G। इससे पहले दोस्तों यहां पर ओप्पो K10 4G लॉन्च हो चुका है और अब लॉन्च किया गया है ओप्पो K10 5G। और इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है बहुत सस्ता है, यानी कि फीचर स्पेसिफिकेशन और यहां पर स्टोरेज के हिसाब से काफी अच्छा प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओप्पो K10 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो। ये है ओप्पो K10 5G का बॉक्स, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह का बॉक्स है जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर ओप्पो K10 4G में देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार सिर्फ एक 5G का चेंज यहाँ पर किया गया है और काफ़ी बढ़िया चेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओप्पो K10 यहाँ पर लिखा गया है जो कि स्मार्टफोन का नेम है और ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। स्टोरेज यहाँ पर ऊपर मेंशन की गई है, आप लोगों को 8GB की रैम मिलेगी, 128GB की आप लोगों को रोम देखने को यहाँ पर मिल रही है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर ओप्पो K10 5G लिखा गया है और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं कुछ एक जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि बॉक्स में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रहा है 25,999 रुपये। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से आगे जो प्राइस है स्मार्टफोन का वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोगों को 48 MP का जो मेन कैमरा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इस तरफ आप लोगों को ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ जो स्मार्टफोन का कलर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ओशियन ब्लू। इसी के अलावा यहाँ पर जो मिडनाइट ब्लैक कलर है वो भी आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और शुरू करते हैं ओप्पो K10 की अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को जैसे हमने ओपन किया तो ग्रीन के नीचे ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर हमें शायद कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग क्या होंगी, सॉफ्ट केस होगा और जो सेफ्टी गाइड है वो होगी और क्विक गाइड वो होगी और सिम पिन होगी। जी हाँ, सेम वही है, क्या मुझे इस बात का पहले से पता था, नीचे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेफ्टी गाइड, क्विक गाइड, सिम पिन, सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की जो सिम पिन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये है सॉफ्ट केस, आप लोग लगाइए स्मार्टफोन पर, एकदम मस्त सा दिखेगा। तो आप लोग अब दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि जो स्मार्टफोन है वो हमें देखने को मिल जाता है ओप्पो K10 5G, जो कि यहाँ पर ओशियन ब्लू कलर के साथ आ रहा है और काफ़ी अच्छा ये कलर लग रहा है। शायद आप लोगों को जो कलर है वो कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर नीचे लगा रखा है वो यहाँ पर कुछ सेम वही कलर का है जो स्मार्टफोन का है। और बॉक्स के अंदर हमें जो एक मोटा सा चार्जर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 33 वोल्ट का सुपर वोक चार्जर है। और इसी के अलावा यहाँ पर आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी और ये है टाइप सी की एक लंबी चौड़ी केबल जिससे आप लोग अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। ये है ओप्पो का नया एकदम चमचमाता स्मार्टफोन ओप्पो K10 5G। जी हाँ, इससे पहले 4G लॉन्च किया था लेकिन अब कुछ नया यहाँ पर हमें देखने को मिला है, 5G देखने को मिला है। 5G कब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, हम नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग यहाँ पर 5G को इंडिया में देखना चाहेंगे जल्द से जल्द। ओप्पो K10 5G के अंदर दोस्तों आप लोगों को कलर OS 12.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 12 आप लोगों को मिल जाता है जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। तो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया OS स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले सेटअप के बारे में बात करें तो आप लोगों को 6.56 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह पर, अमेजोन प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर मूवी वगैरह देखते हैं, ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अब एक बार बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की सेटिंग्स में। तो अबाउट फोन में हम चलते हैं, तो ये है स्मार्टफोन की सेटिंग, इसमें हमें क्लिक किया, अब चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। अबाउट फोन में हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो डिवाइस नेम है वो मिलता है ओप्पो K10 5G, स्टोरेज आप लोगों को मिलती है 128GB की, प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है मीडिया टेक डायमेंसिटी 810 का 5G प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है, और जो कलर OS वर्जन है वो आप लोगों को मिलता है 12.1 का, रैम आप लोगों को मिलती है 8GB की। यहाँ पर आप लोग 5GB
5 GB तक जो इंक्रीज है रैम को कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आप लोगों को मिल जाती है, प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो K10 5G के कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आप लोगों को जो रियर कैमरा है वो आप लोगों को 48 MP का मिल जाता है। इसी के अलावा आप लोगों को 2 MP का जो डेप्थ सेंसर है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। मैंने इस स्मार्टफोन से दोस्तों कुछ एक फ़ोटो क्लिक किए हैं और काफ़ी बढ़िया फ़ोटो आ रहे हैं। अब तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की है उनमें से मुझे सबसे बढ़िया जो कैमरा है मुझे इस स्मार्टफोन का लगा है। कई सारे मोड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव। तो यहाँ पर ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया, काफ़ी बढ़िया फ़ोटो आ रही है। लेकिन मैंने जो फ़ोटो स्मार्टफोन से क्लिक किया है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की क्लियरिटी स्मार्टफोन में आ रही है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, यहां पर आप लोगों को जो वॉल्यूम रोकर है वो देखने को मिल जाता है और इसी के अलावा आप लोगों को उसके ऊपर जो सिम टूल है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ हम लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर जो माइक है वो देखने को मिल जाता है, जो कि शायद यहाँ पर सेकेंडरी माइक है। आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर 2 माइक देखने को मिलते हैं और इसी के अलावा आप लोगों को ये पावर ऑफ की मिलती है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और नीचे की तरफ देखें तो आप लोगों को स्पीकर देखने को मिल जाता है, टाइप सी आप लोगों को देखने को मिल जाती है और आप लोगों को प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा आप लोगों को 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के बारे में तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं जैसे टच करता हूँ यहाँ पर तुरंत जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, यानी कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी। एक बार हम फेस अनलॉक का फीचर भी देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फ़ोन को करते हैं स्टार्ट तो आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि जो फेस अनलॉक का फीचर है काफ़ी तेज़ यहाँ पर वर्क करता है। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। वैसे यार आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों को ओप्पो K10 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सअप पर, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।